अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं एक नए जायके के साथ, नई रेसिपी के साथ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजे का, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट टर्किश केक। आप दे उसके लिए जो चीजें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लोगों ने ले लिए 4 अंडे, उसके अलावा 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। सबसे पहले हम लोगों ने जो 4 अंडे लिए उनको अच्छी तरह से हम लोगों ने कर लेना है बेक। इसमें ऐड करनी है हमारे पास थी शुगर, हम लोग चीनी ऐड कर रही हूँ। ये हम लोगों ने 1 कप इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे। इसी के साथ अंडे और चीनी को अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे मिक्स। ने अपना 4 एग लिए थे, उनको अच्छी तरह से हम लोगों ने बीट कर लिया था। अब हम लोगों ने लिया 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में हम लोग ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को छान लिया था, छान के अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स कर लिए। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं अंडे में। अब हम लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको हम लोग इसके अंडे के साथ करते जाएंगे फोल्ड। ओवन हम लोगों ने प्री हीट के लिए लगा दिया 180 डिग्री पे। इस तरह से ऐसे हम लोगों ने इसको फोल्ड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। जैसे ये मिक्स होता है फिर हम आपको इंशाल्लाह से दिखाते हैं। केक हम लोग अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा थिन नहीं करना, आपने इस लेवल पे इसको इतना ही रखना है जितना कि घर अब भी आपको नजर आ रहा है। हम लोगों ने इसको पतला नहीं करना। ये हम लोगों ने अपना मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी कर लिया था। रेडी करके हम लोगों ने एक बाउल ले लिया। बाउल में हम लोगों ने अपना सारा मिक्सचर ऐड करके उसको अच्छी तरह से हम लोगों ने लेवल कर लिया। ये आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने प्री हीट ओवन पे आपको पता लगा दिया था। अब हम इसको ओवन में रख देते हैं तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए, देन फिर हम आपको इंशाल्लाह से दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं केक हमारा जबरदस्त हो चुका है तैयार। ये हम लोगों ने स्टिक ले लेनी है, इसके बाद हम लोगों ने सारे केक में अपने कर देने सुराख, ताकि हम लोगों ने जो इसमें ऐड करना है दूध का मिक्सचर, पानी का मिक्सचर, वो सारा इसके अंदर तक अच्छी तरह से सारा जज़ब हो जाए। हो गया हमारा, ये अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको किया है। अब हम लोगों ने अब क्या करना है नेक्स्ट, इसको हम लोग कर देते हैं साइड पे का बाउल। इसमें हम लोगों ने तकरीबन 1 कप और इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से, दूध पानी और चीनी जो है अच्छी तरह से हमारी हो जाए मिक्स। ये आप देख सकते हैं सारा दूध हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया था। सबसे पहले हम आपको रिकैप करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने केक रेडी किया था। केक रेडी करने के लिए हम लोगों ने लिया था 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1/2 टीस्पून हम लोगों ने लिया था वनीला एसेंस और 1 टीस्पून लिया था बेकिंग पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून हम लोगों ने ले लिया था ऑयल। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम लोगों ने ओवन में लगाया तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम लोगों का ये केक रेडी हो गया था। केक रेडी होने के बाद हम लोगों ने पानी, दूध और चीनी का मिक्सचर तैयार करके, ये आप देख सकते हैं सारा हम लोगों ने केक में ऐड कर दिया है। और अब हम लोगों ने इस लेवल पर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से ये जो आपको दूध नज़र आ रहा है ये सारा अच्छी तरह से इसके अंदर सॉक हो जाए। जैसे ये सारा अच्छी तरह हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, देन हम लोगों ने इसके ऊपर जो फिर ऐड करना है वो फिर हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा केक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल। अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो उसकी लेयर थी वो हम लोगों ने इसको काट लिया, ऊपर से इसको हम लोगों ने बिल्कुल अब लेवल कर लिया है। अब हम लोगों ने ले ली कैरेमल, कैरेमल सॉस हम लोगों ने अब इसमें सारी ऐड कर देनी है अच्छी तरह से और इसके ऊपर पूरी एक हम लोग लेयर सेट कर लेते हैं कैरेमल की। ये इस तरह से हम लोगों ने पूरी एक लेयर इसके ऊपर सेट कर लेनी है। ऐसे इसमें हम लोग और कैरेमल ऐड कर लेते हैं, अगर हम लोग को कैरेमल कम लग रहा है तो हम लोग मजीद इसमें और ऐड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसको कवर कर देना चारों साइडों से।
हाँ, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसके कैरेमल हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। अब हम लोगों ने ऐसे क्रीम का पैकेट ले लेना और ऐसे लाइंस इसके इसको लाइंस में लगाते रहना है। ये आप देख सकते हैं ऐसे। ये आप देख सकते हैं मजेदार सा हमारा सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, नहायत सॉफ्ट तुर्किश केक बन के हो चुका है रेडी, जिसकी बहुत ज्यादा फरमाइश भी आई हुई थी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी है। ये जो क्रीम हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड किया, आप किसी भी लुक में इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको आप इसको इधर भी घुमा सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं, मतलब कि आप कहीं भी इसको किसी भी रुख पे आप इसको डिजाइन आप इसको कोई भी दे सकते हैं। इस तरह से ये देखिए आप, इस तरह से कितना हमारा अच्छा ये डिजाइन बन रहा है। इस तरह आप, इस तरह कोई भी आप इसको लुक दे सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।